हाय फ्रेंड्स, नल्ली टंडन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी पोटैटो की रेसिपी। जी हाँ, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से सुंदर सा बना हुआ है ये पोटैटो। इसको आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल अलग सा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हमने आधा केजी आलू लिया था, बड़े वाले, जिसको खूब अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है। और हमने बिल्कुल चौकोर चौकोर एक साइज में पोटैटो को हमने काटा है, उनके स्टार्च पूरे निकाल दिए हैं। ये ध्यान रखिए, एक साइज में ही आपके आलू कटे होने चाहिए और अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई गर्म हो गई है। मस्टर्ड ऑयल हमने डाला है 3 से 4 चम्मच। और यहाँ पर हम छन्नी की सहायता से, इसमें क्या होगा कि कभी कभी आलू डालिए तो उछल जाता है, तो ये सेफ्टी आपकी रहेगी, तो इस तरीके से आप डालिए। और ये ध्यान रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथ ही साथ, इससे क्या होगा कि आपका आलू भी इसी के साथ गल जाएगा जल्दी और पोटैटो भी बिल्कुल लालम लाल निकलेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से बन रहा है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसको 2 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पर ढककर हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए आधे मेरे फ्राई हो चुके हैं और आधे ये गल भी चुके हैं, ये देखिए। तो आप गैस का फ्लेम मीडियम मत रखिएगा, तेज पर ही हमें ये चीज़ करना है। हाँ, ये बार बार हमें चलाना रहेगा। फिर से हम देखते हैं कि हमारे पोटैटो कितने गल चुके हैं, ये हमारे तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चलाकर और थोड़े थोड़े करके एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ध्यान रखिए ये ऑयल हमें थोड़ा सा छान के ही निकालना है। इसमें हमने आधे चम्मच ऑयल छोड़ दिया है। और यहाँ पर खड़ी वाली धनिया, सच्ची धनिया डाली है, सच्चे जो बड़े वाले रेड वाले मिर्च होती है वो 2 डाली है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक, नमक हमने पहले भी आलू में डाला है, और वाइट वाली तिल हमने डाली है यहाँ पर, अगर आपके पास हो तो डालिए। और डालेंगे तो इसका टेस्ट यही है, थोड़ा सा अलग चीज़ बनाने में ये होता है, अच्छा लगता है। और आलू को हमने इसमें डाल दिया है और इसको बराबर खूब अच्छे से मसालों में हम कोट कर लेंगे। और थोड़ा सा नींबू डालेंगे। रोज़ 1 से आलू खाकर हम लोग बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग बनाइए। और रेड चिली हम डालेंगे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं। और ये ऊपर से हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, जो कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। करी का जो बुरादा होता है वो हमने इसमें डाला है, तो है ना बिल्कुल अलग चीज़। तो इसको आज ही आप बनाइएगा और यकीन मानिए आपके परिवार में पसंद ही आने वाला है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसको चाय के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक